थाना जेवर पे 15 अगस्त को एक गुमशुदगी लिखी गई थी। एक मुबीना नाम की महिला है जो जेवर की निवासी है, उनकी गुमशुदगी उनके बेटे वसीम ने लिखवाई थी। जब इस पूरी गुमशुदगी की जांच हुई और तथ्य सामने आए तो एक जमशेद नाम का एक करेक्टर जो है युवक है सामने आया और उसने पूरा इस घटनाक्रम को बताया कि कैसे ये मिसिंग हुई और उसके बाद क्या क्या इसमें घटनाक्रम घटा है। जैसे कि मैंने बताया, जो ये लेडी थी ये एक विडो है और जमशेद जो है इनके पड़ोस में ही रहता है, उससे इनका एक रिलेशनशिप था। इसी रिलेशनशिप में ये प्रेग्नेंट हो गई थी और 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। जब ये बात इसको पता चली जमशेद को, तो इसने अपने दो साथी सद्दाम, मोनू और मोनू की वाइफ के साथ मिलके ये प्लान किया कि सिकंदराबाद बुलंदशहर में एक नर्सिंग होम है, राज नर्सिंग होम, वहाँ पे इसका अबॉर्शन कराएंगे। उसका अबॉर्शन कराने के लिए ये 6 तारीख को वहाँ पे इनको ले गए और वहाँ पे अबॉर्शन जब हुआ तो वो सही से नहीं हो पाया और उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से जो ये लेडी थी इनकी डेथ हो गई। उसके बाद इन सभी लोगों ने और जो अस्पताल है उसके स्टाफ ने मिलके जो वो बॉडी है एक 4-व्हीलर के माध्यम से, और इसमें एक 2-व्हीलर भी यूज़ हुआ था, उसको अनूप शहर के एक नाले में डंप कर दी। तो सारा साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें जो है ये सारा एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं, सबको जोड़ा गया, वो बॉडी भी बरामद हम लोगों ने करी है और उसके DNA टेस्ट के लिए भी उसको भेजा है। बाकी जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं उससे भी ये घटना पूरी तरह से कनेक्ट हुई है। इसमें अभी तक जो है हमने 4 लोग जो हैं इसमें हमने टोटल फाइनली हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें जमशेद है, मनोज है, मिथिलेश देवी हैं और राज बहादुर हैं। 4 अन्य लोग जो हैं इसमें हमने अभी वांछित किए हैं, उनकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। इसमें BNS की सेक्शन 89-90 जो कि गर्भपात से संबंधित है, सेक्शन 91 लगाया गया है, सेक्शन 238-239 भी लगाया गया है। और इसमें एक तथ्य भी प्रकाश में आया है कि वो जो बच्चा है वो अभी जीवित है और उसके लिए भी कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल सामने आया है, उसकी बरामदगी